नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और इस वक्त हम खड़े हुए हैं इंदिरा कॉम्प्लेक्स में और जनक हॉस्पिटल के पास, और हमारे साथ हैं मुन्नी। मुन्नी ये पिछले एक महीने से परेशान है, जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये एक महीने से परेशान है। मुन्नी जी क्या हुआ है? पिछले 21 तारीख से मेरा पति गायब है। मैं पुलिस वाली से कंप्लेन लिखवाने के लिए दौड़ के जा रही हूँ, मेरा कंप्लेन 15 दिन पहले से लिख नहीं रहे, भगा दे रहे कोर्ट में से। अब लिख लिए कंप्लेन तब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 15 दिन तक आपकी कंप्लेन नहीं लिखी? ये नहीं है, कह रहे तेरा पति चोर है, तो तेरा पति किसी लेडीज के चक्कर है, तो इस चक्कर में लिए नहीं हमारा कंप्लेन। और ये क्या करते थे आप? ऑटो चलाते हैं। कैसे गायब हुए? घर से ऑटो लेके गए और गायब हो गए। घर से ऑटो लेकर गए और आपको कब पता चला कि ये घर नहीं लौटे? जैसे 10 बजे कंपनी का सवारी छोड़ते, 10 बजे आते हैं, तो मैं पता करी 10 बजे आए नहीं। उसके बाद मैंने फ़ोन मिलाई, फ़ोन तो घर पे ही भूल गए वो। और उसके बाद ऑटो 10 दिन चलाया, 10 दिन बाद ऑटो अब किसने खिंचवा के कैसे जमा हुई है एजेंसी पे, ये हमें नहीं पता है। कितने दिन बाद ऑटो जमा हुई है एजेंसी? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन तक वो ऑटो चलता रहा है और किसी कंपनी में लगा हुआ था? हाँ, किसी कंपनी में ऑटो चलाते थे जी। 10 दिन बाद, 10 दिन तक वो ऑटो लगातार चलता है। और ये नहीं पता चला किसने चलाया? आपके हस्बैंड नहीं चलाया, किसी और ने? नहीं, किसी और का पता नहीं है। कंपनी में नहीं पता चला कौन चला रहा था 10 दिन तक? मेरा घर वाले ही चला रहे थे। वही चला रहे थे? हाँ। अच्छा। दूसरा कोई नहीं चला रहा था, ऑटो यही चला रहे थे। हाँ, 10 दिन तक इन्होंने ऑटो चलाया घर से जाने के बाद, 10 दिन तक ऑटो चलाया। हाँ, उसके बाद मैंने जाके पुलिस चौकी में कंप्लेन करी कि ऑटो नंबर से हमारी कंप्लेन ले लो, इन्होंने कंप्लेन लिए नहीं। मैंने जाके एजेंसी में पता करी हूँ कि ऑटो किसने जमा किया है, जिसका नाम से ऑटो है उसने जमा किया है, मेरा पति ने जमा किया है, तो ये नहीं बता रहे एजेंसी वाले। हाँ, पुलिस को आपने ये बात बताई? पुलिस को बात बता दिया, वो फिर भी नहीं सुन रहे। मैं दौड़ दौड़ के जा रही, चक्कर काट रही, मेरे कोई सुनवाई नहीं है। कोई लड़ाई वगैरह हुई थी आपकी? लड़ाई नहीं हुई, कुछ भी लड़ाई नहीं हुई है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बस मैं यहाँ अकेली हूँ। बच्चे? बच्चे स्कूल है, 2 है। कितने बड़े हैं बच्चे? 13 साल की लड़की है, 12 साल का लड़का है। 13 साल की लड़की है, 12 साल का लड़का है। फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें, मुन्नी जी हैं पिछले एक महीने से परेशान हैं। इनके जो पति हैं वो ऑटो चलाते थे किसी कंपनी में, और एक महीने पहले इनके घर से चले गए, ऑफिस गए थे ऑटो चलाने के लिए और लौट कर नहीं आए। और पता चला, जो ये बता रही हैं, कि 10 दिन तक वो ऑटो चलता रहा और 10 दिन बाद वो ऑटो एजेंसी में जमा कर दिया गया। फिलहाल ये पता लगाना चाह रही हैं किसने ये ऑटो जमा किया है वहाँ पर। और परिवार में 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। कितने साल हो गए शादी के? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। कभी कोई लड़ाई वगैरह आपके बीच में रहती हो जिस वजह से परेशान हो? नहीं, हमारे गली में आप चल कर पूछ सकते हैं जो इंसान है कैसा, मेरा पति है कैसे, आप पूछ सकते हैं गली में चल के। कोई ड्रिंक वगैरह करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं करते थे। नहीं करते थे। फोटो हो? फोटो दिखाएं आप। फोटो उसमें तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं। आप क्या करती हैं? मैं अब तो झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर का खर्चा चलाने। तो आप देख सकते हैं मुन्नी जी, खेड़ी थाने का ये मामला है। मुन्नी जी हैं जो अभी फ़िलहाल अकेली हैं और घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ चुकी है। जो हस्बैंड हैं पिछले लगभग एक महीने से लापता हैं और कुछ भी उनका पता नहीं चल पा रहा है। 2 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी अब इनके सिर पे आ चुकी है, और कहीं ना कहीं ये सफ़र कर रही हैं और काम करना। अभी तक ये घरेलू थी, अभी शुरू किया काम करना? एक साल से कर रही हैं। कर रही हैं, एक साल से लगभग काम कर रही हैं और सारे घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो अगर किसी को भी इनके बारे में, फ़ोटो हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, अगर किसी को भी इनके बारे में, क्या नाम था इनका? सुरेंद्र। किसी को भी सुरेंद्र के बारे में कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो प्लीज़ आप ज़रूर संपर्क करें। हम इस खबर में इनका नंबर देंगे, उस नंबर पर आप ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि फ़िलहाल ये 2 बच्चे, 13 साल की लड़की और 12 साल का लड़का इनके हैं, जो अभी मुन्नी जी की जिम्मेदारी हैं और अकेली लेडीज़ हैं ये, परेशान हैं काफ़ी। और FIR हो गई है? हो गई है FIR, मगर उन लोगों ने सुने नहीं। अब आप बताइए कि 10 दिन हो गया FIR लिखे हुए, ना कहीं पता करें। मैं जिसके नाम से गाड़ी है उसके भी नंबर दी हूँ, उसको बुलाओ, क्योंकि उसने पहले भी गाड़ी छीन लिया था। अच्छा। 1 महीना पहले गाड़ी छीन लिया था उसने, वो जोर दबाव डालता था, इनकी मन में टेंशन हो गई, ये घर से गायब हो गए। पहले भी गायब हो चुके? हाँ, पहले 3 दिन के लिए गायब हुए थे, तो मिल गए।
फिर उन्होंने आ गए घर पर, फिर एक हफ्ता रहे, फिर भाग गए घर पर से। कहीं ना ये गाड़ी क्या इन्होंने किराए पे ले रखी है, कैसे ले रखी? गाड़ी है लोन पर ही, मतलब दूसरे के नाम से, दूसरे के नाम से इन्होंने लोन पे ले रखी है। अच्छा, जो जिसके नाम से लोन पे ले रखी है वो दोस्त है क्या है? दोस्त है, दोस्त के नाम पे। और बड़ी जो इसमें बात है कि जो सुरेंद्र गाड़ी चलाते थे वो उन्होंने अपने दोस्त के नाम पे लोन पे ले रखी है, और गाड़ी फिलहाल एजेंसी में जमाई या दोस्त उठा के ले? नहीं, अभी यही नहीं पता चली है। मैं पुलिस वाले को कह रहे हैं कि आप पता करो, तो पता नहीं कर रहे। क्या लोन वगैरह नहीं भर पा रहे थे जो गाड़ी वापस ले? किस्त जाती थी, एक महीना की किस्त रुकी थी, तो एक गाड़ी ले गए थे वापस। ये नहीं पता चल रही है कि गाड़ी ले गए वापस कि नहीं। पहले आप बता रहे ना, पहले भी वापस ले गए थे, तो ये 3 दिन के लिए घर से गायब हुए थे। अब 3 दिन के लिए घर से गायब हो गए थे, तो हमने पुलिस में कंप्लेन करी थी, तो आ गए थे पुलिस वाले ने ढूंढ दिए। अच्छा हाँ, लेकिन इस बार जो कंप्लेंट हुई है इस बार ये नहीं मिल रहा? नहीं, इसमें कंप्लेन में उस टाइम पुलिस हमारी मदद करी थी, इस बार पुलिस यहाँ खेड़ी पुल से लिखवाई हूँ। पहले मैं गदपुरी से लिखवाई थी, इस बार खेड़ी पुल से लिखवाई हूँ, खेड़ी पुल वाला सुन नहीं रहे। पुलिस भी कार्रवाई कर ही रही होगी, आप कैसे कह सकते हैं नहीं कर रही है? ये तो अगर सुनते तो वो गाड़ी वाला को बुलाते, जिसके नाम से गाड़ी है, एजेंसी जाते, पता करते, तब ना हमें पता चलती। कोई कॉल नहीं आया 10 दिन से। आपने बोला एक बार एजेंसी वालों से बात करी? काट रही हूँ, हाँ मैंने बोला। आपकी इनके दोस्त से बात हुई जिसके नाम पे ये ऑटो था, उससे बात हुई? नहीं, पुलिस वाले बात नहीं कर रहे। मैं आपने बात करी उनके दोस्त? मेरा कॉल उठाए नहीं थे। क्या नाम है दोस्त? अजय नाम है। कहाँ रहता है? 8 सेक्टर में। 8 सेक्टर में रहता है, और कब से जानता है? इन्हें तो बचपन से जानते हैं। बचपन का दोस्त है, और देख सकते हैं फरीदाबाद, बचपन का दोस्त है अजय, 8 सेक्टर में रहता है, और उसी के नाम पर, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती थी कि उसके नाम पर इन्होंने ऑटो लोन पे लिया। और जैसा बता रही है, पहले भी एक बार किश्त देने में देरी हुई तो ऑटो वालों ने, एजेंसी वालों ने ऑटो रख लिया, जिसके चलते वो शायद मानसिक रूप से, आप कह रहे 3 दिन के लिए चले गए थे परेशान। हमारा किस्त हमारा जाती थी पहले, महीना से पहले किस्त जाती थी, इस बार मेरा किस्त रुकी थी। वो फाइनेंस वाले आए तो हमने उनसे 15 दिन के टाइम लिए थे कि हमें 15 दिन का टाइम दो, ना हो तो हम पूरा पैसा जमा करके गाड़ी अपने नाम करवा लेते हैं। उसके बाद ये गायब हो गए, फिर एजेंसी वाला ने आए नहीं। फिर मैंने एजेंसी गई, पता करी, तो बोले कि हाँ गाड़ी जमा है। मैंने कि बताओ कौन गाड़ी जमा किया है, तो हमें बताने रहे। वो तो जो जमा करके गया होगा वो अपना नाम लिख के गया होगा, अपना नंबर लिख के गया होगा, साइन करके गया होगा। ऐसे तो नहीं है कि चाबी छोड़ गया और ऑटो खड़ा करके चला गया? ऐसे कह रहे कि स्टैंड पर चाबी लगा के ऑटो खड़ा कर गए। अच्छा, एजेंसी वाले कह रहे हैं कि, तो आपने बोला नहीं कि ऐसे CCTV फुटेज दिखा दो? मैं कह रही हूँ दिखाओ मेरे को CCTV कमरे में, तो कह रहे यहाँ कोई कमरे नहीं है। क्योंकि वहाँ तो CCTV फुटेज भी होगा, एजेंसी पर जरूरी होगा CCTV फुटेज। कह रहे यहाँ कोई कमरा नहीं है, जाओ। और अभी पुलिस वाले क्या कहते हैं? ये कुछ नहीं कह रहे। इन्होंने वहाँ जाकर पूछताछ वगैरह करी है क्या? ना करिए, नहीं। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, 1 महीने से ये महिला परेशान है, और घर का जो इकलौता कमाने वाला था वो अभी घर से 1 महीने से लापता है, और बार बार चक्कर काट रही हैं कि कहीं ना कहीं, पहले भी बता रही हैं 3 दिन के लिए गए थे घर से, लेकिन जब पुलिस ने ढूंढा तो पुलिस की जो कार्रवाई थी उससे वो घर आ गए थे, लेकिन अब दोबारा से वो लापता हो गए हैं, और लगभग 1 महीना होने जा रहा है, और बहुत परेशान है। एक बार फिर से फ़ोटो दिखा दें उनका, और आप में से किसी को भी अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले, इनका नाम सुरेंद्र है और 1 महीने से ये लापता है, अगर किसी को भी कोई भी जानकारी मिले तो हम नंबर इसमें खबर में देंगे, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।